अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अल्लाह पाक की रहमत से बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज जो मैं रेमेडी लाई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त है, तो रेमेडी बताने से पहले आपसे गुजारिश है मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ ही लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चले यार रेमेडी की तरफ चलते हैं। रेमेडी जो मैं लाई हूँ वो मैं फेस वॉश बॉडी स्क्रब की रेमेडी लाई हूँ जो मेरे घर में खुद इस्तेमाल होती है, तो मैंने बोला आज आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। ये रेमेडी बहुत ही ज़बरदस्त है, इससे आप फेस वॉश भी कर सकते हैं, बॉडी स्क्रब भी कर सकते हैं, फेस स्क्रब भी कर सकते हैं। चले यार रेमेडी की तरफ चलते हैं। रेमेडी में जो हमें चीज़ें चाहिए उसमें मैंने लिया है बेसन, चावल का आटा और सूखा दूध जो मिल्क पाउडर होता है वो, साथ ही मैंने कॉफ़ी, हल्दी और मुल्तानी मिट्टी। अब मैं इनकी तादाद आपको बता दूँगी मैंने कितनी कितनी ली है। ये जो बेसन है इसके मैंने 3 बड़े टेबलस्पून लिए हैं, और जो चावल का आटा है इसके मैंने 2 टेबलस्पून लिए हैं बड़े, और जो दूध है इसके भी मैंने 2 टेबलस्पून लिए हैं। तो इन सब चीज़ों को मैं एक बोल में डालूँगी बारी बारी। ये मैंने सब नाप के रखा हुआ था। सब चीज़ें मैं इसमें मिक्स कर दूँगी। ये एक ऐसा ज़बरदस्त बॉडी वॉश बनेगा कि जब ये आप यूज़ करेंगे तो आप जो बाज़ार से महंगे महंगे वॉश लेकर आते हैं, बॉडी वॉश लाते हैं, स्क्रब लाते हैं, उसको भूल जाएंगे। ये जब आप इस्तेमाल करेंगे तो इसका रिजल्ट आपको पहली ही दफ़ा में साफ नज़र आएगा। देखिए सब चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं। इसमें मैंने डाला है बेसन, मिल्क पाउडर और चावल का आटा, ठीक। बाकी फिर मैं डाल ली हूँ मुल्तानी मिट्टी, ये मैंने 2 टेबलस्पून लिए हैं। हल्दी मैंने 1 टेबलस्पून लिया है, और कॉफ़ी पाउडर भी मैंने 1 टेबलस्पून लिया है, इसको भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। एक ज़बरदस्त ड्राई आपके पास ये बॉडी वॉश तैयार हो जाएगा। फेस वॉश बोलें आप इसको, बॉडी वॉश बोलें, तो ये आपके घर में सब इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चे, बड़े, मर्द, खवातीन, सब। कोई ऐसा नहीं जिसको यूज़ नहीं कर सकता, और इसका इस्तेमाल भी बहुत आसान है, और ये आपको बराबर बनाना भी नहीं पड़ेगा। इसको आप आराम से अपने घर में महीनों तक रख सकते हैं स्टोर करके। मैंने सब इसमें डाल दिया है, इन सब चीज़ों को ऐसे मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करके आप इस तरह से रख सकते हैं घर में, किसी एक जो टाइट जार हो जिसके अंदर हवा ना जाए। देखिए सब चीज़ें मिक्स हो गई, इसमें अभी कुछ चीज़ें और डलेंगी वो भी मैं आपको बताऊँगी। देखिए एक ज़बरदस्त ये बॉडी स्क्रब बना है, आपको जितनी तादाद चाहिए उतनी निकालें किसी बोल में और यूज़ करें, बाकी इसको अच्छी तरह लिड लगा के रख दें। ये देखें ये सब अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अभी इसमें मैं डालती हूँ खुशबू के लिए रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल डाल ली हूँ, अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर है तो डाल दें, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। कोई सा भी आपके पास एसेंशियल ऑयल है आप वो डाल सकते हो, चाहे लेवेंडर हो, चाहे रोज़मेरी है, या और भी कोई सा हो, इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, तो इसलिए मैं इसके 4-5 कतरे डालूँगी इसके अंदर। तकरीबन इसमें 10 कतरे डाल दिए हैं इसके, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी इसमें। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मैंने 10 कतरे इसमें एसेंशियल ऑयल डाले रोज़मेरी। अब इसमें 1 टेबलस्पून मैं डालूंगी आलमंड ऑयल, अगर आपके पास आलमंड ऑयल नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल या आप ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं इसमें, 1 टेबलस्पून डालना खाली बस। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये हमारी बॉडी पे जब लगेगा तो हमारी बॉडी जो है वो वाइट भी होगी, साथ में ग्लोइंग भी करेगी, और फेस तो हमारा माशाल्लाह से ऐसा चमकेगा कि आप खुद देखेंगे। ये देखिए अच्छी तरह से मैंने इन सब चीज़ों को मिक्स कर लिया है, सब चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो गई हैं। इसको आप किसी एयरटाइट जार में इसको रख कर महफूज कर सकते हैं, जब आपको यूज़ करना होगा किस तरीके से यूज़ करेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए सब अच्छी तरह से मिक्स हो गया, इसको मैं एक इस टाइप का मेरे पास ये जार है, मैं इसको इसके अंदर शिफ्ट कर लीजिए, जितना इसको इसमें शिफ्ट करना था उतना कर लिया, बाकी आपको दिखाने के लिए किस तरह से यूज़ करना है वो मैंने थोड़ा बोल में रहने दिए, बाकी ये महफूज रहेगा, आप जितने टाइम तक इसको रखेंगे ख़राब नहीं होगा। जब आपको ज़रूरत हो इसमें से निकालें, जितनी हद ज़रूरत है आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, बाकी वापसी आप इसको लिड लगा के रख दें, ये महफूज रहेगा और ख़राब भी नहीं होगा। ये देखिए मैंने थोड़ा लिया है,
आपको मैं दो तरीके बता रही हूँ, दोनों तरीकों से आप यूज़ कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप अपने फेस को गीला करें, बॉडी को गीला करें, जिस टाइम पे आप नहा रहे हों, वॉश कर रहे हों अपने जिस्म को, तो उस टाइम पे आप थोड़ा सा लें इस तरह से हथेली पे, आपका जिस्म, आपका फेस गीला होगा, आप इससे चेहरे पर इस तरह से रब कर लें, ठीक है। तो ये गीला होगा और ये बहुत अच्छा स्क्रब बनेगा। देखिए मैंने अभी सूखे पर लगाया है, ये इस तरह से आराम से गीला होकर चिपक जाएगा। नहीं तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आप रोज़ वाटर लें या पानी ले लें। मैं इसमें रोज़ वाटर मिला रही हूँ थोड़ा, इस तरह से ये रोज़ वाटर मिलाए, इसमें ये पेक की शक्ल इख्तियार कर लेगा इस तरह से ना, हल्का सा इसमें डालूंगी। ये देखिए जब आपका जिस्म गीला होगा, फेस गीला होगा, उस पर तो ये आराम से चिपक जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसको रोज़ वाटर में, अगर रोज़ वाटर नहीं है तो आप इसमें खाली पानी शामिल करें, बाकी सब चीज़ें इसमें मौजूद हैं। देखिए सब मैंने मिला लिया। जब आपने नहाना हो या आपने खाली फेस वॉश करना हो, ये अच्छी तरह स्क्रब का भी काम देगा आपको और ये वॉश का भी काम देगा। देखिए मैंने थोड़ा लिया इसमें, यहाँ से आपको बताती हूँ, जब हम लगाएंगे अपने फेस के ऊपर या बॉडी पर, इसको आपने इस तरीके से स्क्रब करना है। ये देखिए अगर जिस्म गीला होगा हमारा तो वो खुद ही इसी तरह की शक्ल बन जाएगी उसकी, लेकिन अगर जिस्म गीला नहीं है, आपने फेस पे लगा के इस तरह इसको स्क्रब करना है इस तरह से। तकरीबन आपको 5 मिनट इसका इस तरह से मसाज करना है, समझे, स्क्रब की तरह से फेस पर, अच्छी तरह से फेस पर, अपनी नेक पर, अपने हाथों पर, टांगों पर, ये सब रंग एक जैसा हो जाएगा और बहुत ही खूबसूरत आपका जिस्म भी होगा और नरम और मुलायम भी हो जाएगा। देखिए इस तरह से लगाएं, लगा के आप इसको 5 मिनट छोड़ दें। 5 मिनट आपने इसका स्क्रब करा इस तरीके से और 5 मिनट आपने इसको छोड़ दिया। 5 मिनट बाद आप इसको पानी से वॉश करें। मैं वॉश करके आपको दिखाती हूँ अपना हाथ। मैंने अपना हाथ वॉश किया है और इस पर नहीं लगाया मैंने, इस पर लगाया, ये देखिए, इसलिए मैंने अभी 5 मिनट ही इसको रफ किया है इस तरह से और छोड़ा नहीं, इसलिए मैंने 5 मिनट सिर्फ इसको मसाज किया इस तरीके से, इसका स्क्रब करा है इस हाथ में और इस हाथ में। आप फ़र्क देखें, ये जब भी आप वॉश करेंगे अपने जिस्म को, अपने फेस को, तो आप फ़र्क पहली दफ़ा में आपको पहले ही पता चल जाएगा। जब आप नेक्स्ट टाइम करेंगे तो आप इसी को यूज़ करेंगे। ये देखें रिजल्ट आपके सामने सब, ये मेरे घर में खुद इस्तेमाल होती है, जब आप लोग इस्तेमाल करेंगे तो आप भी यही इस्तेमाल करेंगे, दूसरी चीज़ों को भूल जाएंगे। देखिए फ़र्क आपको खुद नज़र आ रहा है। मेरी वीडियो आपको कैसी लगती हैं मेरे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर करा करें अपनी बातें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं। तो जब आप मुझसे शेयर करते हैं तो मेरा भी अंदर फीलिंग होती है कि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आऊं, ताकि आपको जो भी मेरे पास नॉलेज है उससे आपको फ़ायदा पूरा मिल सके। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगती हैं कमेंट्स में मुझे लाजमी बताया करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।